दोस्तों, आज मैं आपको ये सुंदर पैटर्न बताना जा रही हूँ। ये पैटर्न आप जेंट्स, लेडीज़ और बच्चों के स्वेटर पर आप डाल सकते हैं। ये पैटर्न बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको क्या करना है, हमने पहला फंदा उतार लेना है। उसके बाद धागे को ऐसे लूप की तरह आगे करना है। ये लूप बन गई। ये जो धागा कसा हुआ है, इससे हमने दो फंदे उल्टे बुनने हैं और ये धागा पीछे को खींच लेना है। फिर हमने ये लूप बना के आगे खींच ले। जो खींचा हुआ धागा है, कसा हुआ धागा, उससे हमने बुनाई करनी है। दो फंदे हमने उल्टे बुनकर इसको पीछे खींच ले, धागा आगे करें, दो फंदे हमने बुनाई करके इसको पीछे खींचना है, धागा आगे करें, दो फंदे उल्टे बुनकर इसको धागे को पीछे खींच लें, धागा हर बार हमें आगे करना है और दो फंदे उल्टे बुनने हैं और धागा पीछे को खींच लेना है। दो फंदे हमने बुने और इसको धागे को पीछे खींच लें, धागा आगे करें, दो फंदे उल्टे बुनकर इसको पीछे को खींच लें, आखिर का फंदा हमने सीधा बुन लेना। अभी दूसरी सिलाई, पिछली सिलाई हमने सारी सीधी बुननी है। पहला फंदा उतार लें। ये देखिए, पिछली सिलाई हमने सारी सीधी बुननी है। ऐसे बुनते जाएं। देखिए, हमने पहला फंदा उतार लेना, फिर हमने धागा की लूप बना के आगे करें, कसे हुए धागे से दो फंदे उल्टे बुने और धागा खींच लें, धागा आगे कर लें, बुनाई करें और धागा पीछे खींच लें, धागा आगे करें, बुनाई करें, पीछे खींचे, आखिर का फंदा हमने बुनाई करके उतार लेना। पिछली सिलाई सारी हमने सीधे सीधे बुन लेंगे। देखिए, ये ऐसे खूबसूरत पैटर्न बनता जाएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। धन्यवाद।